हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कप सरफेस एरिया। इस चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मली यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। ओके, यू जस्ट लुक योर कीवर्ड, इट्स अ कीवर्ड एंड व्हाट यू हैव टू लर्न। ये हमारे जो रिमेम्बर्ड सब्जेक्ट है, मतलब कि इम्पोर्टेंस चैप्टर के, तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में है। और यहाँ पे आता है इम्प्रूव योर लर्निंग, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सबको पता होगा कि क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद आता है थिंक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ये हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हैं और इसमें टोटली हमारे 7 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, इसको ही बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, और यहाँ पे हमारा MCQ है टोटली यहाँ पे हमारा 3 MCQ है। ठीक है, 3 MCQ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सजेस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसका सजेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा 4th चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कप सरफेस एरिया। और यहाँ पे अबाउट दिस डिस्कवरी हैज ए सर्चिंग हैज ए फिलोसफर, इन्होंने जो ये जो भी इन्होंने इस चैप्टर के बारे में हमें डीपली कॉन्सेप्ट दिया उनके बारे में ये है। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ लर्निंग आउटसाइड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सर्फेस या सेल स्लो इमेजिंग फॉर्मेंस, मतलब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ाया गया है, मतलब ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारे कीवर्ड्स, यहाँ से हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कीवर्ड से। तो यहाँ पे कीवर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारे कीवर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है, कम से कम 2-3 सप्ते से बाद ही बनाया है, इसलिए थोड़ा सा। ओके, और ये रहा फिर। ओके, उसके बाद ये आता है हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये हमारा माइंड मैपिंग है। और माइंड मैपिंग में इस तरह रहता है, क्योंकि माइंड मैपिंग से आपको कुछ नॉलेज आइडिया मिलता है। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये देख के, मतलब कि वो पूरा डीपली सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ही समझ जाते हैं, डीपली समझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं माइंड मैपिंग दिखा रहा हूँ। इसे अगर आप नॉर्मली स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि किससे किसका कनेक्शन है। ठीक है, ये हो गया। ओके, और यहाँ पे दिया है रिवीजन फॉर योर रिवीजन नॉलेज, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन ऊपर के दिए रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो हमें समझने के लिए बहुत सी मदद करते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, हैव यू एवर टचड द मैग्नीफिकेशन ग्लास विथ योर हैंड, यस। तो कैसा रहता है मैग्नीफिकेशन ग्लास, कैसा रहता है, हमने देखा वो कुछ बड़ा दिखता है हमें मैग्नीफिकेशन, मतलब ये छोटा वर्ड है ना, हमको बड़ा दिखेगा। हैव यू एवर टच द ग्लास इन द स्पेशल यूज इन ट्रेडिंग विथ योर हैंड, यस। पढ़ने के लिए भी यूज़ किए हैं तुम लोग, कि बहुत लोग किए होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं किए हैं, लेकिन मैंने किया है। ओके, इट इज़ द प्लेन फॉर कप सरफेस, हाँ प्लेन रहता है उसका। ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों का चारों, दिस 4 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वन रिमेंबर दिस, बिकॉज इन द एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर मैग्नीफिकेशन क्लास, यू कैन बी इजी फॉर यू फॉर गिविंग आंसर। ओके, सो एवरी वन मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन 4। ओके, दिस इज नॉट अवर
टेस्ट बुक क्वेश्चन आंसर, इट्स ए पार्ट ऑफ द आवर लेसन, इट्स गिविंग सम क्वेश्चन फॉर आवर नॉलेज, यू कैन बी सी हियर, सो दिस इज द ओनली फॉर नॉलेज, सो एवरी वन रिमेंबर दैट, एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन इम्प्रूव योर लर्निंग, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन बी मेंशन योर टेस्ट बुक ऑल्सो, सो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, और यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे हम यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, आप देख लीजिए, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आता है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज आवर आंसर, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है और हमारा आंसर है, ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट, उसके बाद ये आता है, ओके नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पे 1 2 ये आंसर है फर्स्ट का, ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 1 2, ओके, और यहाँ पे पहले का आंसर, ठीक है, पहले का है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन देयर आर टू पैराग्राफ क्वेश्चन, ओके, लाइक पैरा क्वेश्चन लाइक वन फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ओके, यू जस्ट लुक हियर एंड डोंट कन्फ्यूज, यू कैन बी मैच फॉर योर टेस्ट बुक ऑल्सो, ओके नेक्स्ट, और दिस इज आवर हैज अ डायग्राम लाइक रे डायग्राम, सो इन दिस चैप्टर ओनली लाइक फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द कट सरफेस एरिया, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर, दिस फोर्थ चैप्टर आई मीन से दैट दिस फर्स्ट एंड फोर्थ चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस चैप्टर बिकॉज रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट एंड फोर्थ चैप्टर, रे डायग्राम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द एग्जाम, दिस only has a ray only about ray, okay, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर में जितने भी हमारे मतलब चैप्टर हैं, फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर इसमें रे डायग्राम ही सारे मतलब इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, और अभी तो हमें बहुत लोग कोई सोचते हैं क्या रे डायग्राम, मतलब बहुत लोग समझ नहीं आता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यू मोर प्रैक्टिस रे डायग्राम, ओके, and if you go to the higher classes then after you can be understand what the ray diagram what the uses of, okay, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और सेकेंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आंसर है हमारा, और मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि यू कैन बी प्रैक्टिस मोर एंड मोर बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट रीड, यू प्रैक्टिस रिमेंबर रीड राइट एवरी थिंग यू कैन डू इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट फुल मार्क्स ऑफ योर टेंथ क्लास, ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट का ही आंसर है, ठीक है, ओके, और ये रहा सेकेंड का क्वेश्चन और ये सेकेंड का आंसर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो मैथ में होता है आंसर, सॉल्यूशन कुछ भी, मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू चूज द फिजिक्स सो मैथ एंड फिजिक्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज अवर आंसर बिकॉज हियर यू कैन बी सी देयर इज सम देयर इज मोस्टली इन दिस चैप्टर इन द वन एंड फोर्थ मैथमेटिक्स रूल्स ओनली बिकॉज इन फिजिक्स मैथमेटिक्स रूल्स आर वेरी सो यू कैन बी फोकस मैथ ऑल्सो एंड फिजिक्स ऑल्सो बोथ एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज अवर सॉल्यूशन ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और ये हमारा सॉल्यूशन है ठीक है और आगे चलते हैं यहाँ पे भी है ओके और ये रहा हायर ऑर्डर